सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, बहुत खतरनाक साउंड इफेक्ट दिया जा रहा है बैकग्राउंड में। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर नॉर्मल से शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। इतना संघाटा की हो गया। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं डे वन पे। यहाँ पे उठ गए हम लोग। गाइस हम अभी हम लोग सो रहे हैं। सो गाइस, मुझे इस गेम में करना क्या है आखिर? अरे करना क्या, कोई तो बताओ। लीव दिस हाउस। सो गाइस, लग रहा है हमें इस घर को लीव करना है। यहाँ पे ग्रैनी कहाँ पे? ग्रैनी उधर है। हम लोग चुपचाप निकल लेते हैं। स्वास्थ्य हम लोग इस बार कार से भागने वाले हैं। शायद आवाज़ सुनकर ग्रैनी आएगी, इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें गिरा के भागते हैं। चीज़ें तो गिराते हैं, जल्दी भागते हैं। हम लोग आ चुके हैं इसी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कार की तरफ। मैंने ये गेम खेला ही हुई है। आई थिंक आगे लगे। अचानक से अभी ग्रैनी आएगी और हमें उससे बच के रहना होगा। तो भाई देखते हैं ग्रैनी कहाँ पे है। वो अब तक आई नहीं है। आ गई आ गई आ गई, ग्रैनी आ गई। दादी जी वो अभी बहुत बूढ़ी हैं, लेकिन स्पीड तो ओ भाई देखो, पहले दादी जी हंसते हुए जा रही हैं। वादी क्या दादी है। आ चुके हैं अब बाहर। आज हम लोग निकलने वाले हैं बाहर। बाहर निकलते हैं। ग्रैनी तो बड़ी चालाक निकली। तो सारी चीज गैसोलीन गिरा के दादी को वहाँ भेजेंगे और दरवाजा बंद कर देंगे। देखते हैं हम लोग का ये प्लान काम करता है कि नहीं। वैसे दादी जी दरवाजा तोड़ सकते हैं, उनको लगेंगे एक दो मिनट, तब तक हम लोग कार की दूरी सकते हैं। सुबह दादी जी आ गई। दादी अंजलि लो, ये लो गैस लो। सुबह हम लोग जल्दी जाकर कार की दूरते हैं। कार की कहाँ हो सकती है? दादी जी हम लोग पकड़ने भी आएंगी। तो जल्दी जल्दी कार की लूटते हैं। तो ग्रैनी एक मिनट के लिए जा चुकी है, उनके ऊपर दिख रहा है। आप भी देख आया था सके। इंजन पार्ट मिला भाई, काम की चीज़ है। वैसे हमें पता कैसे चलेगा कि ग्रैनी आ चुकी है। इंजन पार्ट ही लगाए थे, हमें रेंच चाहिए होगा। पार्ट ऑफ शो है तो शायद हमें प्रॉब्लम चला सकते हैं, इसलिए भी हमें दो पार्ट और चाहिए उसके लिए। वैसे गैसोलीन के लिए हमें कार की चाहिए।
थोड़ा सा मुझे साइड से निकाल लेते हैं जल्दी से। ग्रैनी कहाँ पे भाई? बहुत जस्ट मुझे ग्रैनी जिंदा हो चुकी है, मुझे लगा भी रहे कि कुछ सेकंड्स, लेकिन भाई वो जिंदा हो चुकी है और हम लोग पड़ चुके हैं खतरे में। अरे बताते हो बड़ा दिखो रहा है क्या क्या वापस मिलेंगे। मैं क्या करूंगा, फिर इस साइड से हम लोग वापस निकल लेते हैं। भाई ग्रैनी ने वो देख लिया, हम लोग यहाँ पर छुप चुके हैं, तो देखते हैं हम लोग पार कर पाते हैं कि नहीं। तो गाइस आई थिंक फर्स्ट टाइम या सुने गाइस ये मैं दूसरी बार गेम खेल रहा हूँ, तो चांसेस थोड़े कम है, मुझे भी डाउट हो रहा है। भाई क्या बचे हैं, पीछे चलते हैं। मैं नीचे गिर गया, पता नहीं कैसे ऊपर शायद होता, गिरा नहीं, बड़ी गंदी घर की मरम्मत नहीं करवाती। चलिए हमें पास ये सब कहने का टाइम है नहीं, इससे पहले वो ग्रैनी फिर से आए और हमें पकड़े, हम निकल लेते हैं यहाँ से। थोड़ा सा ग्रैनी पकड़ लेगी तो क्या करेगी, पर हमें ये तो नहीं पता ग्रैनी पकड़ लेगी तो क्या करेगी। अब उसे पहले फोन वहाँ पे आए, हम लोग निकल लेते हैं। मुझे ग्रैनी वापस आ गई है, मुझे जल्दी से पुतला खड़ा हो गया, सर ग्रैनी से खड़ी होगी। फिर इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूँगा, इस बात पूरा घर इसका एक्सप्लोर ही करते रहेंगे हमें लग रहा है। सुभाष क्या बचे हैं, ग्रैनी जो सुभाष आई थिंक मैंने इसका 50% घर एक्सप्लोर कर ही लिया है। सुभाष इसका पार्ट टू एक्सप्लोरिंग ग्रैनीज हाउस के लिए आप लोग इंतज़ार करते रहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराऊँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।